एंड देन अनफॉर्चुनेटली वी नो कि इंडिया में वैसे ही चलता है कि वंस यू प्रूव योरसेल्फ थिंग्स विल ऑब्वियसली इम्प्रूव. यस, बट अर्ली आपके करियर में, मतलब मुझे पता है कि आपके साथ बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे वर्कआउट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो आप कैसे मतलब जुगाड़ करते थे? बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमें अगर फैसिलिटीज मिली है तो सीनियर लेवल में आने के बाद जब हम नेशनल कैंप्स में रहे हैं तो हमें वहाँ पे मिली हैं. और जुगाड़ की बात मैं बताऊँ तो हमारे पास जिम नहीं होता था, और जिम तो दूर की बात है, हमारे पास जो मैट जो गद्दे होते हैं वो भी हमारे पास नहीं होते थे, तो हम मिट्टी में अखाड़े में हम प्रैक्टिस करते थे. और तो पुलअप्स सिटअप्स हम करते थे, पुशअप्स हम करते थे, ईंटें रख कर उसके ऊपर हम पुलअप्स करना, सिटअप्स वगैरह, दौड़ लगाते थे बहुत सारी, क्योंकि मुझे लगता है कि कार्डियो जितना ज़्यादा हमारा होगा वो फिटनेस के लिए वो उतना ही अच्छा है. और यस, तो मतलब यही इसी तरह का जुगाड़ कि अगर एक दो प्लेटें हैं तो उसी को घुमाते रहना, मतलब उसकी रेपिटेशन ज़्यादा करना. राइट, यस राइट. Are there any, this is for all three of y'all, are there any like everyday items that you have ever used? मतलब दीपिका ने अभी बताया कि जो कुर्सी है उसके साथ बेंच प्रेस करना, तो मतलब घर में पड़े हुए कोई भी everyday items जो मतलब हम देखते हैं या तो बाहर गार्डन में कुछ भी देखते हैं, have you used anything like that in your workout? Yes, जब कभी हम मतलब बिजी होते हैं, ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं या फिर हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि हमें जिम नहीं मिलता कई बार, तो फिर उस टाइम पर हम रूम तो हमें मिलता ही है अगर होटल में भी जाते हैं तो, लेकिन जब हम रूम में भी होते हैं तो एक तो रस्सी के साथ हम करते हैं, और या फिर पुशअप्स हम करते हैं, पुशअप या मुझे नहीं पता सब लोग जानते हैं नहीं, उठक बैठक जो जिसको बोलते हैं, मोस्टली रेसलर वो करते हैं, तो हम उठक बैठक खूब सारी लगाते हैं, 500-700 सर बोल रहे कि वो करते हैं. Deepika, I think you were going to say something. Yeah, I think no one knows this, I mean, but you know, I always whenever after training you're supposed to stretch for about half an hour, 45 minutes to cool down, and I'm actually very lazy at that, so I just take the car and go back home. We have to ask all the girls, who's really lazy about stretching after the workout? I don't endorse that. They all feel you. No, but I make sure, so when I get back home, I always make sure, so when I know it's not a good thing, but I always stretch on my dining table. Stretch on my dining table. But that's the best. Yeah, I can imagine the good stretch that's happening with something like that. We've also seen a rise of women in all your sports now, you know, and we've seen that there is a growing attention that is taking place in these various fields. So do you think that India is now focusing well on women when as athletes? यस यस यस. मैं अगर मैं अभी रेसलिंग की अगर मैं बताऊँ, वुमेन रेसलिंग की, तो हरियाणा में 30-40 अखाड़े नए खुल गए, जिसमें ज़्यादातर लड़कियाँ जो छोटी लड़कियाँ हैं वो उसमें आ रही हैं और आना चाहती हैं. हमारे खुद के अखाड़े में मेरे पिता कोच हैं, तो हमारे घर पे भी अखाड़ा है, तो उसमें हर रोज़ दूसरे दिन मतलब मैं कहूँगी कि हर रोज़ उनके पेरेंट्स लड़कियों को लेके आते हैं कि मतलब रेसलिंग सिखाओ. और मुझे लगता है कि आने वाले जो ओलंपिक्स होंगे 8-10 साल बाद एक इंडिया में स्पोर्ट्स का एक अलग ही मुकाम होगा. With that, and it doesn't matter where you come from in the world, everybody deals with stereotypes. And one of the people that tries to break stereotypes is Adidas, and especially with the Here to Create campaign, we're hoping that we can get people to think out of the box, push themselves, innovate and create. And अभी मैं stereotype की बात कर रही थी, और मुझे पता है कि ये wrestling जो है, मतलब it is male dominated. So what were the difficulties that you also had in just, you know, trying to break that? Matlab kya problems the aapke liye? Agar kisi ne matlab zyada mushkilon ka samna kiya to mere pita ne kiya, kyunki hum bacche the aur sab kuch mere papa dekhte the, coach mere papa the, to hamare liye mushkil sabse jo tha wo tha subah 4 baje uthna, और उठने के बाद वो तीन चार घंटे ट्रेनिंग करना, फिर स्कूल जाना और फिर वापस आके वही ट्रेनिंग,
तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वही था और बाकी की सब चीज़ें समाज की तरफ से लोगों का बोलना वो सब चीज़ें मेरे पापा को झेलनी पड़ी. All right. I'm sure there are a lot of questions that, or some questions at least, so that we can get from the audience. I don't want to keep talking over here. So if any of you have any questions that you would like to ask, could I please request you to raise your hand so that, yes, ma'am. Are you referring to all of them? Okay, okay. मुझे ही नहीं मेरी सभी बहनों को मोटिवेट मतलब मोटिवेशनल वाली कोई बात नहीं थी. हम तो मेरे पिता के दृश्य करते थे ऐसे ऐसे. लेकिन अब जब हम समझने लगे स्पोर्ट्स के बारे में अचीवमेंट्स के बारे में तो उसके बाद हमें जो मोटिवेट करता है वो हमारा लक्ष्य होता है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है उस चीज़ को अचीव करना है. तो वही हर रोज वही मतलब किसी चीज़ को पाने की चाहत ही हमें मोटिवेट करती है. पूछना चाहेंगे कि आप क्या राजनीति में आना चाहेंगे क्योंकि हरियाणा में आपने बोला कि हरियाणा के बहुत एक से एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं बड़े बड़े भाई उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है. आपने बोला कि खेत में घर में करते रहे तो क्या आप राजनीति में आएंगे कि स्पोर्ट्स के लेवल को ऊपर बढ़ाया जाए. कोई क्रिकेटर अगर जीत के आता है एयरपोर्ट पर लेने के लिए मर्सिडीज गाड़ियाँ जाती हैं लेकिन हॉकी वाले खुद ऑटो रिक्शा करके यहाँ तक पहुँचते हैं. ये आपने देखा होगा. देखिए आपकी बात बिल्कुल सही लेकिन मेरा अभी पॉलिटिक्स में जाने का भी कोई इरादा नहीं है क्योंकि और अगर मैं रेसलिंग छोड़ने के बाद अगर मैं कुछ करना चाहूँगी तो मैं एकेडमी खोलना चाहूँगी रेसलिंग की जिसमें मैं जो कुछ मैंने सीखा वो मैं आने वाले जो बच्चे होंगे उनको मैं सिखा सकूँ. हॉकी वाली बात करें जीत के आते हैं ऑटो रिक्शा करके पहुँचते हैं अगर क्रिकेट जीत के आते हैं उनके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप. It's okay. We'll try and talk about hashtag here to create and Adidas. Thank you, sir. You've asked quite a few questions. Yes, sir. No, sir. You've asked.